मुंबई के गोरेगांव में एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से 46 लोग घायल हो गए और 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने की इस घटना में 4 कार और 30 बाइक जलकर राख हो गए। मुंबई के गोरेगांव स्थित आजाद नगर के समर्थ नामक 7 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इमारत की पार्किंग में आग की वजह से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 46 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर रूप से बताई जा रही है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गोरेगांव अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों को 5,00,000 रुपए देने का मुआवजा ऐलान किया है। फिलहाल कूलिंग का काम चल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो इमारत के पार्किंग में काफी पुराना कपड़ा रखा हुआ था, जिसके कारण आग लग सकती है, लोगों का इस तरह से कहना है। और देखते ही देखते पूरी पार्किंग और इमारत की पहली और दूसरी मंजिल को अपनी चपेट में आग ने ले लिया। आगे की जांच जारी है कि आग किस वजह से लगी है। यहाँ पर जो फायर हुआ है, सब लोग सोए थे, जिसके कारण काफ़ी कैजुअल्टी हुई है। और कूपर हॉस्पिटल में और जो जोगेश्वरी में जो हॉस्पिटल है ट्रोमा केयर, वहाँ पर लोगों को एडमिट किया गया है। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब करीब 6 से 7 लोगों की मृत्यु हुई है।